हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो आज परीक्षा हुई है कनिष्ठ सहायक कि उसके बारे में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के प्रथम पाली के प्रश्न पत्र का जीएस के प्रश्नों का हल। देखेंगे, पहला क्वेश्चन था जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत सन 1969 में हुई थी। किस प्रदेश में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19A का संबंध किससे है, तो इसका संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, इसका आंसर होगा। सर्वाधिक जनसंख्या किस शहर की है, इसका आंसर मुंबई होगा। RBI के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास। CDS के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका उत्तर होगा बिपिन रावत। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, शरद अरविंद बोबडे। उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास के क्षेत्र कितने हैं, तो इसका उत्तर होगा 19। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर होगा 10 जनवरी को। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 76। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र क्या है, राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र वायनाड है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। भारत का सबसे ऊँचा बांध कौन सा है, वो टेहरी बांध है। फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर होगा एथिलीन। लघु हिमालय की सर्वाधिक बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, इसका उत्तर होगा शिवालिक। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनायमुड़ी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 2017-18 में दाल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, इसका उत्तर होगा प्रथम स्थान। सती प्रथा का अंत कब हुआ, सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था लॉर्ड विलियम रेंटिक के समय में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम बार 1938 में बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को कब पराजित किया था, इसका उत्तर होगा 1600 ईस्वी में। GST के कितने घटक हैं, GST के 4 घटक हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। UP और बिहार के वर्षा के मौसम में कौन सा लोकप्रिय मनोरंजन होता है, इसका उत्तर होगा झूला। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। भारत की प्रथम सरपंच महिला कौन है, इसका उत्तर होगा छवि राजावत। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 1699। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ये सारे प्रश्न जो हैं स्मृति पर आधारित हैं। अगर आप सबको पूर्ण हल चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बहुत जल्द ही हम आपके लिए संपूर्ण हल लेके आएंगे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों की। धन्यवाद दोस्तों।